अगर आप भी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं एंड जानना चाहते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड पर लोन कैसे ले सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि हम HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर लोन कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से चार्जेज यहाँ पे करने पड़ेंगे, साथ ही में इंटरेस्ट रेट क्या लगने वाला है, और क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले लोन को एकदम कम इंटरेस्ट रेट के साथ कैसे ले। मेरा ओनली 11% पे लिया हुआ है। बहुत सारे बोलते हैं कि भाई 17-18% या 20% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, बट मेरा सिर्फ 11% पे लिया हुआ है, जो कि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको जानना है वीडियो को स्किप ना करके एंड तक जरूर से देखना, साथ ही में इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइस, जरूरी नहीं कि आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तभी आप लोन ले सकते हो, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड किसी अदर बैंक का जैसे एक्सिस, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कोई भी बैंक अकाउंट हो उसमें भी आप लोन ले सकते हो, क्योंकि सभी बैंक ऑफर करते हैं कि आप उनके क्रेडिट कार्ड पे लोन ले सकते हो। ICICI का, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑलरेडी मैंने बता रखा है, जिनके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिलहाल HDFC बैंक और एक्सिस बैंक अपने यूजर्स के क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अप्रूव कर रहे हैं, तो अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा चांस है कि आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा, वो भी अच्छी खासी लिमिट के साथ। तो अभी हम जान लेते हैं कि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर अपने कार्ड पे लोन कैसे ले सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस को एंड तक देखना, कहीं पे स्किप मत करना। तो जिनका HDFC बैंक में अकाउंट है वो तो एप्लीकेशन के थ्रू भी अपना प्रोसेस कर सकते हो, बाकी मैं वेबसाइट के थ्रू बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा HDFC बैंक में अकाउंट नहीं है, सिर्फ मेरे पास क्रेडिट कार्ड ही है। तो सिंपल से आपको किसी ब्राउजर को ओपन करना है। आप ये वाला प्रोसेस एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको बैनर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया, आप कोई भी ब्राउजर आपको सही लगे उसको ओपन कर सकते हो एंड अपने लैपटॉप, PC या फिर मोबाइल में ये प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है mycards.hdfcbank.com। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है, इस पर क्लिक करते हैं। अभी आप देख सकते हो इस तरीके का पेज आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपको अपने क्रेडिट कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको फिलअप कर देना है। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिलअप कर दिया है, गेट OTP पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, जिसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। अभी आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो फ्रीडम क्रेडिट कार्ड दिखा रखा है, क्योंकि मेरे पास HDFC बैंक का फ्रीडम क्रेडिट कार्ड ही। अगर आपके पास मिलीनिया क्रेडिट कार्ड है या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, या फिर एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है तो वो भी यहाँ पे दिखा देंगे। तो मेरे पास फ्रीडम क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो जिस भी कार्ड की लिमिट ज़्यादा है या फिर जिस पे आपको ऑफर मिला है तो उस पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो मेरे को फ्रीडम कार्ड पे ये ऑफर मिला है तो इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस दिखा दिया, फ्रीडम क्रेडिट कार्ड, अवेलेबल लिमिट दिखा दिया, अपकमिंग पेमेंट दिखा दिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके का एक बैनर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले लिखा है कन्वर्ट योर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इनटू स्मार्ट EMI। इसके ऊपर भी मैंने जस्ट कुछ ही दिनों पहले वीडियो अपलोड किया कि आप HDFC बैंक से किए हुए ट्रांजेक्शन को EMI में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कौन कौन से चार्जेज लगते, साथ ही में यहाँ से किए हुए ट्रांजेक्शन को EMI में कन्वर्ट करना वर्थ है या फिर नहीं। इसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे एक बैनर और आ रखा है, जिसमें लिखा है डू सो मच मोर विथ लोन ऑन क्रेडिट कार्ड Within and over the credit limit। अब क्रेडिट कार्ड पे भी दो तरीके के लोन मिलते हैं, पहला है WTL, दूसरा है OTL। WTL मतलब विथ द लिमिट, जितनी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उस लिमिट में से आपको कुछ लोन मिलेगा एंड जितने का आप लोन लेते हो उतने आपके कार्ड की लिमिट यहाँ पे होल्ड कर दी जाएगी। जैसे जैसे आप EMI पे करोगे वैसे वैसे लिमिट यहाँ पे अनलॉक होती जाएगी। दूसरा है OTL, ओवर द लिमिट। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपये है तो आपको जितने का भी ऑफर मिला है उतना आप लोन ले सकते हो, आपके कार्ड की लिमिट यहाँ पे होल्ड नहीं की जाएगी। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे आपको थंबनेल देखने को मिल रहे हैं, उस वीडियो को चेकआउट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अभी आप देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप एप्लीकेशन से कर रहे हो तो हो सकता है डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, बट हम वेबसाइट से कर रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिर से मांगा जा रहा है, कार्ड के एंड के 4 नंबर मांगा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी इंटर कर दिया, कार्ड के एंडिंग के 4 डिजिट भी यहाँ पे इंटर कर दिए हैं। अब नीचे आप देख सकते हो 3 टर्म एंड कंडीशन है जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना है, तो मैं एक एक करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तीनों टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद व्यू लोन एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं। अभी आपके इस क्रेडिट कार्ड पे लोन का ऑफर होगा तो आपको दिखा देगा, उससे पहले आपको एक OTP यहाँ पे फिलअप करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आए हुए OTP को आपको यहाँ पे फिलअप करना है, आइडेंटिफाई योर सेल पर क्लिक करना है।
अभी आपके क्रेडिट कार्ड पे अगर लोन का ऑफर होगा तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, अदरवाइज आप यहीं से स्किप कर सकते हो। तो आइडेंटिफाई योर सेल पर क्लिक करते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रखा है गेट लोन इन जस्ट 10 सेकंड, वेलकम, मेरा नाम यहाँ पे दिखा रखा है इंस्टा लोन, 10,000 रुपये तक का मेरे को इस कार्ड पे लोन मिल रखा है, मेरे कार्ड की लिमिट यहाँ पे 26,000 रुपये है, 10,000 का मेरे को यहाँ पे लोन मिल रखा है। एंड कार्ड के नंबर भी आप देख सकते हो, एक से ज़्यादा कार्ड है तो आप देख लेना कि कौन से कार्ड पे यहाँ पे ऑफर मिला है। नीचे आप देख सकते हो रिक्वायरिंग अमाउंट यहाँ पे दिखा रखा है, मिनिमम 10,000 रुपये दिखा रखा है तो वो यहाँ पे इंटर्ड है। अगर आप इसे कम ज़्यादा करना चाहो, जैसे आपको ज़्यादा का ऑफर मिला है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो लोन पीरियड दिखा रखा है, 12 महीने से लेकर 60 महीनों तक का यहाँ पे ऑफर मिला, आप कितने भी महीने का ले सकते हो। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको 60 महीने का ही दिखा देता हूँ कि कितना कुछ आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। बाकी आप चार्जेस देख सकते हो 1.47% यहाँ पे लग रहा है, जो कि पर एनम देखोगे तो 17.64% यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। एडिस लोन को अगर आप लेते हो तो 999 रुपये प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी, जो कि मेरे को थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा लगी। बाकी आप देख सकते हो क्योंकि 10,000 का ये लोन ले रहे हो, 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस आप पे कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे है। बाकी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि अगर आप इस लोन को इतने महीनों के लिए लेते हो तो इतना कुछ आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 रुपये का लोन है, 60 महीनों के लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, तो पर महीने EMI आने वाली है 252 रुपये की। तो मैं 252 यहाँ पे कर लेता हूँ, 60 महीने हो गए तो 15,120 रुपये ये हो गए, प्लस यहाँ पे 999 रुपये प्रोसेसिंग फीस लिख रखी है, एंड इस पे 18% GST लगेगी, तो मैं यहाँ पे 1180 रुपये कर लेता हूँ, प्लस 1180 रुपये टोटल हो गए 16,300 रुपये। अब लोन हम ले रहे हैं 10,000 रुपये का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6,300 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, वो भी 60 महीनों के लिए, तो थोड़ा थोड़ा वर्थ मान सकते हो। अगर हम इसी लोन को 12 महीने के लिए लेते हैं तो कितना कुछ यहाँ पे चार्जेस पे करना पड़ेगा वो भी आप देख सकते हो। 12 महीने मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, पर महीने EMI आने वाली 923 रुपये की, इंटू 12 मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया तो 11,076 प्लस 999 प्रोसेसिंग फीस प्लस 18% GST, तो समथिंग 1180 रुपये होती हैं, जो कि इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 2256 रुपये आपके ज़्यादा लगने वाले हैं। तो अगर आप 12 महीने के लिए सिलेक्ट करते हो तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। बाकी पर्सनल लोन पे समथिंग यहाँ पे 17-18-20% ही लगता है, जो कि इंटरेस्ट यहाँ पे सही है, एंड जो प्रोसेसिंग फीस लग रही है वो थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। अभी मैंने कैसे 11% में लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको उसका प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आप इस लोन को ले सकते हो। नीचे आप देख सकते हो दो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, कोरियर डीडी टू रजिस्टर एड्रेस या फिर ट्रांसफर मनी टू नॉन HDFC बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को इंटर कर देना, जैसे बैंक का IFSC हो गया और यहाँ पे अकाउंट नंबर हो गया, री इंटर अकाउंट नंबर हो गया, तो यहाँ पे 1 रुपये का ट्रांजेक्शन करके यहाँ पे कंफर्म करेंगे एंड जो पैसे है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो नीचे आपको इन टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, कंफर्म पे क्लिक कर देना तो एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, एंड जो लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अभी बात आती है कि इसकी EMI कहाँ से जाएगी, तो जब भी आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा उसमें आपकी EMI वगैरह सारा कुछ ऐड होके आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे 12 महीने के लिए चूज कर रखा है तो 923 रुपये का EMI है, प्लस प्रोसेसिंग फीस 999 प्लस 18% GST, तो समथिंग 1180 ये ऐड हो गए, 923 रुपये ये ऐड हो गए, तो ये फर्स्ट EMI में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद के EMI में आपको 923 रुपये का ही पेमेंट देखने को मिलेगा। अभी बात आती है कि मेरे को लोन ओनली 11% पे कैसे मिला, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, साइड में ICICI बैंक से मैंने एक लोन लिया था, वो भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर ओनली 11% इंटरेस्ट रेट पे। तो जो लोन मेरे को यहाँ पे मिल रहा था वो समथिंग 14-15% इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा था। बट आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये वाला प्रोसेस किया तो इसे कंप्लीट करने के बजाय आप बीच में स्किप कर देना है। तो आप बीच में स्किप करोगे तो सामने से आपके पास कॉल आएगा कि सर आप इस लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे और आपने बीच में छोड़ दिया, क्या इश्यू आपको फेस करना पड़ रहा है। तो आपको वहाँ पे बोल देना कि भाई लोन तो मेरे को लेना है बट इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस इंटरेस्ट रेट पे मैं नहीं ले सकता। तो वो एक दो बार तो आपको बोलेंगे कि सर इतने में हो पाएगा, इससे कम में नहीं हो पाएगा, तो आप बोल देना कि ये वाला इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, अगर आप इस इंटरेस्ट रेट पे दे सको तो दे सकते हो। तो वहाँ पे अगर आपको कॉल भी काटना पड़े तो कट कर सकते हो, ऐसे मैंने किया था, ICICI बैंक से मेरे को कॉल आने लगे कि आप ये वाला लोन ले सकते हो, इतने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे दे देंगे। बाद में सारा कुछ बातचीत होने के बाद वो 11% पे एग्री हो गए, एंड फाइनली आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट मैंने साइड में लगा दिया है, 11% पे मेरे को लोन यहाँ पे मिल गया था। इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले लोन को एकदम सस्ते इंटरेस्ट रेट पे ले सकते हो। बाकी मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे लोन कैसे ले सकते हो, क्या कुछ चार्जेज आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, HDFC और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड फिलहाल बहुत ज़्यादा अप्रूव हो रहा है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो।
एंड अगर आपको जानना कि ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड पे लोन कैसे ले सकते हो तो साइड में थंबनेल देख रहे हो इन वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो। इस वाले वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर से करना, कुछ पूछना या सजेस्ट करना हो तो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जरूर से करना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।